हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रोप ड्राइव्स। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। द रोप ड्राइव्स आर वाइडली यूज्ड वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर ओवर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस हमको अलाउ नहीं करती थी फ्रॉम द यूज ऑफ फ्लैट ड्राइव, फ्लैट बेल ड्राइव्स एंड वी बेल ड्राइव, वो डिस्टेंस अब हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम रोप ड्राइव का यूज कर देंगे। डिस्टेंस का डिस्कशन हम आगे पढ़ते हैं, किस डिस्टेंस पर हम रोप ड्राइव्स का यूज कर सकते हैं। यदि हम लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ द फ्लैट बेल्ट, तो हमको जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेल्ट का, वो एक्सेसिव मतलब लार्ज यूज करना होगा। इट मे बी नोटेड दैट द यूज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज लिमिटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मॉडरेट पावर फ्रॉम वन पोली टू अनदर व्हेन द टू पोलीज आर नॉट मोर देन 8 मीटर अपार्ट। ओके, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए यहाँ पर लिमिटेशन हमको दी गई कि 8 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकते हम पुलिस के बीच में। देर आर टू टाइप्स ऑफ रोप ड्राइव्स, फाइबर रोप ड्राइव्स एंड वायर रोप ड्राइव्स। फाइबर रोप ड्राइव्स के लिए बोला गया है इट इज सक्सेसिवली वर्क कर सकता है व्हेन द पुलिस आर अबाउट 60 मीटर्स अपार्ट, वाइल द वायर रोप्स आर यूज व्हेन द पुलिस आर अप टू 150 मीटर अपार्ट। फाइबर रोप्स आर मेड फ्रॉम, मटेरियल की बात करें तो हैम्प, मनीला एंड कॉटन। हैम्प लाइक अ जूट मटेरियल, मनीला लाइक अ खाकी मटेरियल एंड कॉटन लाइक अ कपड़ा। द हैम्प रोप्स हैव लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द मनीला रोप्स। इन मनीला एंड हैम्प रोप्स स्लाइडिंग प्रॉब्लम अकर्ड विच इज ओवरकम बाय द यूजिंग ऑफ लुब्रिकेशन लाइक टार, टैरो एंड ग्रेफाइट। द लुब्रिकेशन ऑल्सो मेक्स द रोप मॉइस्चर प्रूफ। द कॉटन रोप्स आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड हेयर नॉट नेसेसरी टू यूज लुब्रिकेशन द कॉटन रोप, बट इफ वी यूज लुब्रिकेशन द कॉटन रोप देन इट रिड्यूस द एक्सटर्नल वेयर बिटवीन द रोप एंड द ग्रूव्स ऑफ इट सीप्स। मनीला रोप्स आर मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन द कॉटन रोप्स, बट द कॉटन रोप्स आर कॉस्टलियर देन द मनीला रोप्स। Advantages of the fiber ropes: they give smooth, steady and quiet surface. They are little affected by outdoor conditions, मतलब surrounding condition से it is not affected, not more affected. The shaft may be out of strict alignment. It is not necessary कि हम देखें कि shaft alignment strictly किस type का है। The power may be taken off in any direction and in fractional part of the whole amount. That is we transmit power from any direction and यहाँ पर हम power को क्या कर सकते हैं, regulate कर सकते हैं in the fiber rope drives. They give high mechanical efficiency. Some points regarding its structure. सीप्स फॉर फाइबर रोप्स, सीप्स मीन्स क्या, ग्रुप्ड पुली को सीप्स बोला गया है। द फाइबर रोप्स आर यूजली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द डायग्राम। द सीप्स ग्रुप फॉर द फाइबर रोप्स इज शोन इन द डायग्राम। द ग्रुप्स एंगल ऑफ द पुली फॉर द रोप ड्राइव इज 45 डिग्री, दैट इज 2 बीटा इज इक्वल 45 डिग्री। द ग्रुप्स इन द पुली आर मेड नैरो एट द बॉटम and the rope is pinched between the edges of the V group to increase the holding power of the rope on the pulley. मतलब इसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि ये रोप को जो है अच्छे से होल्ड कर सके। The groups should be finished smooth to avoid chafing of the rope. इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए एकदम स्मूथ की रोप जो है फ्रिक्शन के कारण उसका हार्म नहीं हो, मतलब उसको हार्मफुल ना हो, मतलब घिस कर उसका जो डायामीटर है वो रिड्यूस ना हो, है ना। इतना स्मूथ जो है ग्रूव का डिज़ाइन होना चाहिए। द डायामीटर ऑफ द सीप्स शुड बी लार्ज टू रिड्यूस द वेयर ऑन द रोप ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन एंड बेंडिंग स्ट्रेस। एंड द प्रॉपर साइज ऑफ द सीप व्हील इज 40D and the minimum size is 36D, where D is the diameter of the rope in centimeter. Here, structure of the sieve group pulley
क्या है, देखिए 45 डिग्री, 2 बीटा इज इक्वल 45 डिग्री, दिस वन इज डी वाई फोर वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द रोप, दिस डिस्टेंस इज डी वाई फोर, दिस डिस्टेंस इज डी प्लस डी वाई ट्वेल्व, दिस डिस्टेंस इज डी बाई टू. सो स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ. थैंक यू.